माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संजना और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूं एकदम बेस्ट वाली होम रेमेडी, जैसे मैं हमेशा लाती हूं। लेकिन ये वाली होम रेमेडी मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बेस्ट है और इसे बनाना सबसे ज्यादा आसान है और अप्लाई करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। ऐसी बेस्ट वाली होम रेमेडीज को लगा करना, ऐसे चुटकियों में आपके चेहरे के सारे दाग धब्बे अचानक से गायब हो जाएंगे। सिर्फ आपको एक ही बार यूज करना है वीक में और एकदम क्लीन और क्रिस्टल स्किन पा सकते हैं। आप चाहे तो इस फेस पैक को अपने हाथ और पैर में भी लगा सकते हैं। मैंने इसे हाथों में भी लगाया था और अपने फेस पर भी लगाया था। वीडियो में जब हम आगे बढ़ेंगे तब आप देखना और आपको समझ आएगा कि कितना ज्यादा सुपर ग्लोइंग फेस पैक है ये। आपके चेहरे को पार्लर से भी ज्यादा ग्लो देगा और ग्लो ऐसा कि खुद से फिर से एक बार आपको प्यार हो जाएगा। तो वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो YouTube फैमिली, सबसे पहले एक कटोरी में हमें ले लेना है एक चम्मच हल्दी और उसके बाद हमें ले लेना है एक चम्मच हनी यानी कि शहद, फिर आधा कटा हुआ नींबू जिसे हमें स्क्वीज करना, यानी कि एक चम्मच रस की ज़रूरत है हमें, जैसे नींबू को निचोड़ कर अच्छे से एक चम्मच रस हमें कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी रॉ मिल्क की यानी कि कच्चे दूध की, तो एक चम्मच हमें कच्चा दूध लेना है। और यहाँ पर हमारी होम रेमेडी हो चुकी है पूरी तरह से अप्लाई करने के लिए तैयार। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा डल नज़र आ रहा है, डार्क सर्कल्स हैं, ब्लैक से पैचेस हैं। तो यही सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैंने ये होम रेमेडी बनाई है जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ इसका रिव्यू और डेमो शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस फेस पैक को अपने फेस पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। हमें हल्के हल्के हाथों से अपने पूरे फेस पर इसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर देना है। जब आप स्टार्टिंग में अप्लाई करेंगे ना तो इसे सर्कुलर मोशन में ही अपने स्किन पर अप्लाई करना है। ये वाली होम रेमेडी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा चेंजेस लाएगी और सारे ही चेंजेस पॉजिटिव वे में होंगे। चेंजेस कुछ ऐसे होंगे कि आपके जो डार्क सर्कल्स है वो कम हो जाएंगे, लिप्स की पिगमेंटेशन कम हो जाएगी, ब्लैक से जो फेस पर पैचेस आ जाते हैं ना वो सारे पैचेस कम हो जाएंगे। इस वीडियो में हमने हल्दी का यूज़ किया है क्योंकि हल्दी बहुत ज़्यादा फेस के लिए अच्छी होती है और हल्दी में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो ये हमारे फेस को हील करता है। मिल्क बहुत ही ज़्यादा नेचुरल क्लिंजर होता है जो हमारे फेस को अंदर से एकदम क्लीन कर देता है, क्योंकि अगर आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, मिल्क जो है हमारा नेचुरल फेस क्लिंजर होता है, इसलिए इस होम रेमेडी में हमने मिल्क भी ऐड कर दिया है। और लेमन का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि लेमन हमारे स्किन से सारी ड्राइनेस को निकाल कर स्किन को एकदम ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड करता है, स्किन में वाइटनेस आ जाती है। इसी तरह से हमें बस 2 मिनट तक इसे अपने फेस पर कंटिन्यूसली लगाते रहना है। इसे अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं और थोड़ी देर के बाद इसे वॉश कर सकते हैं। फेस और हाथ पर मैंने अप्लाई कर लिया था इस होम रेमेडी को और 10 मिनट्स के बाद मैंने इसे वॉश कर लिया है। अब मेरा फेस काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गया, एकदम ग्लोइंग हो गया है। अब आप मेरे हाथों में डिफरेंस देख सकते हैं। मैंने हथेली वाले पोर्शन में लगाया था पीछे साइड में, जो कि काफी ज्यादा ग्लोइंग हो गया, और जो बाकी का हाथ है अपर साइड में वो बहुत ज्यादा ड्राई और रफ है। उसके बाद मैंने अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है पॉन्ड्स का 10 रुपए वाला मॉइस्चराइजर। एकदम बजट फ्रेंडली होम रेमेडी है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मॉइस्चराइजर यूजुअली हमारे घर में होता है, अगर नहीं भी है तो 10 रुपए का ये पॉन्ड्स मॉइस्चराइजर आप ला सकते हैं, हमारा स्किन काफी ज्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगा। उसके बाद फेस पर कोई भी लिप बाम लगा सकते हैं, आप इसे दिन में या फिर रात में भी इस फेस पैक को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मुझे तो ये वाली होम रेमेडी बहुत ज्यादा पसंद आई है क्योंकि इससे मुझे मिला एकदम ग्लोइंग स्किन। सब्सक्राइब फॉर मोर। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, एकदम सुपर ग्लोइंग स्किन पाने का राज तो आपको पता चल ही गया है। तो अब इस राज को पता चलने के बाद आपका काम है मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो उस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स ग्रुप में या फिर अपने गर्ली गैंग में जरूर शेयर करना। आज वाली होम रेमेडी बहुत ही ज्यादा आसान थी और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। नेचुरल तो आपको पता ही है, हल्दी हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होता है और वो बहुत ही ज्यादा नेचुरल चीज है। नींबू तो हमारे घर में हमेशा होता ही है और इसके अलावा हनी तो हम हमेशा रखते हैं, और उसके अलावा चौथी चीज थी मिल्क, जो ऐसा कोई भी दुनिया में इंसान नहीं है जिसके घर में मिल्क कभी अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पे हमें कच्चा दूध ही इस्तेमाल करना था, उबाल कर गर्म किया हुआ दूध हमें नहीं यूज करना है। तो है ना एकदम सुपर ग्लोइंग स्किन वाली होम रेमेडी। ऐसे
जैसे चुटकियों में पा सकते हैं एकदम ग्लोइंग स्किन, कांच जैसी एकदम साफ सुथरी सी स्किन। कभी कभी तो कांच पर भी दाग धब्बे होते हैं, तो वैसे ही हमारी स्किन है, स्किन पर भी कभी कभी दाग धब्बे होते हैं। तो जैसे हम कांच को साफ कर देते हैं ना, वैसे ही अपने स्किन को भी क्लीन और एकदम क्लियर रखने का ये एकदम आसान सा नुस्खा था। इसे वीक में सिर्फ एक बार अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद तो रिजल्ट आप जानते ही हैं। मेरी होम रेमेडी हो और उसका कोई रिजल्ट ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक बार इस होम रेमेडी को अपने ऊपर जरूर ट्राई करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एकदम सुपर ग्लोइंग होम रेमेडीज के साथ। अब तक के लिए आपको बस करना है मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बस इतना ही कर दें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ढेर सारे यूनिक इनोवेटिव और एकदम सुपर ग्लोइंग स्किन के लिए होम रेमेडीज के साथ। थैंक यू, बाय बाय।